हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिस्टर पार्चा। आज की वीडियो में मैं आपको परचेज और सेल की एंट्रीज पोस्ट करना बताऊंगा। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप हमारा पहला पार्ट देख सकते हैं, जिसमें मैंने परचेज और सेल्स के लिए लिस्ट क्रिएट करने के बाद स्टॉक आइटम भी क्रिएट करना बताया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परचेज और सेल की एंट्रीज पोस्ट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर पर एंटर करना है। अब यहाँ पर आप F9 प्रेस करेंगे परचेज वाले वाउचर के लिए। आप परचेज की एंट्रीज परचेज वाले वाउचर पर ही एंटर करेंगे, तो इसके लिए शॉर्टकट होगा F9। मैं आपको बेसिक लेवल पर बता रहा हूँ, तो उसके लिए डेट और सप्लायर इनवॉइस नंबर स्किप करें अभी के लिए, मैं ये आपको बाद में बताऊंगा। आप एंटर प्रेस करते हुए पार्टी अकाउंट नेम के पास आओगे और कैश इन हैंड सेलेक्ट करेंगे। कैश इन हैंड इसीलिए क्योंकि आप कैश परचेज कर रहे हो। दोबारा एंटर प्रेस करेंगे आप। सप्लायर डिटेल्स को भी स्किप करना है। परचेज लेजर पे परचेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये होगा या तो आपने क्रिएट नहीं किया या फिर आपने परचेज लेजर के क्रिएशन के टाइम पर कोई ग्रुप गलत सेलेक्ट किया था। एंटर प्रेस करेंगे अभी। नेम ऑफ आइटम पर आने के बाद आपको स्पेस बार प्रेस करना है ऑप्शंस देखने के लिए। हम लोग यहाँ पर पहला स्टॉक आइटम सेलेक्ट करेंगे टेबल। क्वांटिटी एंटर करेंगे 10 पीसेस। अमाउंट हम डालेंगे 400 रुपीज़, जो आपका टोटल अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आप दोबारा एंटर प्रेस करेंगे और दोबारा से आपको स्पेस बार प्रेस करना होगा ऑप्शन देखने के लिए। अब इस बार हम लोग यहाँ पर चेयर सेलेक्ट करेंगे। क्वान्टिटी हम लोग डालेंगे 10 पीसेस। अमाउंट डालेंगे 300। अगेन आपका टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एंटर प्रेस करते हुए नरेशन पे आएंगे। अगर आप नरेशन लिखना चाहते हो तो नरेशन लिखोगे आप, एंड एंटर प्रेस करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपको सेल्स की एंट्री पोस्ट करना है। सेल की एंट्री पोस्ट करने के लिए आपको सेल्स वाले वाउचर पर जाना होगा। उसके लिए आपको F8 प्रेस करना होगा। यहाँ पर भी आपको पार्टी अकाउंट नेम पर आना है और कैश इन हैंड सेलेक्ट करना है। एंटर करेंगे। डिस्पैच डिटेल्स को भी अभी के लिए स्किप करना है। सेल्स लेजर पर सेल्स सेलेक्ट करेंगे। अगेन एंटर प्रेस करेंगे। नेम ऑफ आइटम पर आने के बाद आपको स्पेस बार प्रेस करना है और टेबल सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हो हमने परचेज के टाइम पर टेबल के 10 पीसेस परचेज किए थे, और सेल्स के टाइम पर आप टेबल के 10 पीसेस या फिर 10 पीसेस से बिलो ले सकते हो। अगर आप 10 पीसेस से ज़्यादा लोगे तो आपको नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर 12 पीसेस ले रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो आपको नेगेटिव स्टॉक बता रहा है। तो आप 10 पीसेस या फिर 10 पीसेस के बिलो सेलेक्ट करेंगे क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं 8 पीसेस ले रहा हूँ। हमारा परचेसिंग प्राइस 400 था, सेलिंग प्राइस हम लोग यहाँ पर 600 रखेंगे। टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे। दोबारा से आप चेयर सेलेक्ट करोगे और क्वान्टिटी डालेंगे 5 पीसेस। अमाउंट 500 रुपीज़। टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ चुका है। एंटर प्रेस करेंगे अभी। नरेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो नरेशन आप लिख सकते हो। अगेन आप एंटर प्रेस करते हुए स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लोगे। अब आपको एस्केप करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर आना है और रिपोर्ट्स चेक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर एंटर करना है। अब आपको डिटेल फॉर्म में देखने के लिए ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करना होगा। अब आप डिटेल फॉर्म में देख सकते हो आपका टोटल परचेसिंग प्राइस 7000 का है और टोटल सेल्स अमाउंट 7300 का है। सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ऐड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मींस द स्टॉक विच इज बीइंग अनसोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स का अमाउंट ऐड होने के बाद आपको ये अमाउंट नीचे दिखाई देगा। इसमें से परचेसिंग प्राइस माइनस होने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से कैरी फॉरवर्ड होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाएगा, और इसमें इनडायरेक्ट इनकम ऐड होकर टोटल अमाउंट नीचे दिखाई देगा, जिसमें से आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होने के बाद आपको नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपको बैलेंस शीट देखने के लिए एस्केप करते हुए बाहर आकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर बैलेंस शीट पर एंटर करना है, और इसे भी डिटेल फॉर्म में देखने के लिए ऑल्ट प्लस F1 प्रेस करना है। यहाँ पर आप कैपिटल, करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट देख सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।